मैंने कहीं पढ़ा था कि हजूर सिर्फ चेहरा मुबारक के अलावा पूरे जिस्म पर नूर लगाते थे। क्या माना नूर लगाते थे? पता नहीं क्या तुमने पढ़ा था, मुझे तो समझ नहीं आया तुमने क्या पढ़ा था और हजूर क्या लगाते थे। अगर हम बैतुल खला में बैठे हैं और छींक आ जाए वहां अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते। मैं आपके लिए दुआ करता हूं अल्लाह आपको जज़ा दे, औलाद भी नहीं है, इलाज भी कराएं, और कुरान में जो दुआ है रब्बिल आतज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन ये पढ़ा करो। मेरे अब्बू के पूरे जिस्म के बाल गिर गए हैं, अब उम्रे पे आए तो अब भी उस तरह फिरवा दें चाहे गंजे हों। अल्लाह को बालों की जरूरत नहीं है, तामील हुक्म है कैसे गर्दन झुका दी। अगर सफर में हम थे असर मगरब इशा की नमाजें कज़ा हो गई फिर हम उनको इकट्ठा कज़ा पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। मेरी शादी का सबब नहीं बन रहा, 3 दफा सूरत रहमान रोजाना पढ़ के दुआ किया करो। 3 साल शादी को हो गए औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह से दुआ मांगो रब्बिल आतज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, और मियाँ बीवी चेकअप कराओ नुक्स किस में है उसका इलाज करो। एक आदमी कहता है कि शादी से पहले जिनाह करना चाहिए, उस पर लानत भेजो। अल्लाह ने जिनाह को हराम किया, वो कहते हैं पहले टेस्ट करो यानी बीवी कैसी है, बड़ा बदबख्त है वो। और फिर ऐसी बीवी जो बगैर निकाह के जिनाह कराएगी वो फिर तुम्हारी बीवी वफादार बन के रहेगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह हिदायत दे और क्या करे। मेरी लड़की का महर 21,000 रुपया है, वो कहती है कि 5,000 एक यतीम लड़का मदरसे उसको दो, 5,000 गरीब रिश्तेदार हैं उनको दो। ठीक है जैसे वो कहती है दे दो, कुल महर उसका खालिस हलाल का पैसा है, वो जहां लगाना चाहे लगाए। मेरा बेटा जवान है, मैं पहले उसकी शादी करूं या हज करूं? पहले हज कर लो, शादी तो होती रहेगी ना, आज तक नहीं की तुमने, अब हज के वक्त तुम्हें शादी याद आ गई है उसकी। वितर में दुआए कनूत न पड़े सज्जा साहब है, मकड़ी को नहीं मारना चाहिए वैसे शिकार करना चाहिए था। कहते जी दुल्हन अपने शादी के दिन में पीले रंग के कपड़े पहन सके, पीले पहने, नीले पहने, लाल पहने, इसमें क्या है? दामाद अपनी सास के साथ हज पे आ सकता, आ सकता है। सदका मस्जिद की तरह सदका लग सकता है, ज़कात तामीर में नहीं लगती। एक शख्स जाबत की हालत में है, जाबत क्या मुझे नहीं पता क्या लिखा आपने। हुजूर ने उमर इब्ने यासिर, उमर इब्ने यारिस नहीं, अम्मार इब्ने यासिर, तुम्हें नाम ही नहीं आता, तख्तुल फियतुल बागिया कहा था बिल्कुल। तो इससे क्या हो गया? अगर अमीर मुआविया ने खुद कत्ल किया, हजरत अली के हाथों भी तो कई सहाबा कत्ल हुए। फिर नमाज में अत्तहियात ऐसा पढ़नी चाहिए। मैयत के घर वाले मेहमानों को, हाँ मेहमानों को तुम खिलाओ, मैयत के घर वाले ना खिलाएं।